जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में और मैं हूँ आपकी अपनी अंजना दीक्षित मिश्रा। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए पहुँचे थे देवप्रयाग, और मैंने वहाँ पे आपको कराए थे देवप्रयाग जी के दर्शन और धारी देवी के दर्शन, और वहाँ पे पहुँच के देवप्रयाग से संबंधित जो भी बातें थी वो मैंने आपको, जो भी स्टोरीज थी या जो भी वहाँ का मेन मेन पॉइंट था वो सारा आपको दिखाया था और बताया था कि किस तरीके से देवप्रयाग में श्री रामचंद्र जी का वास है और किस तरीके से धारी देवी की जो भी बात थी, जो भी दर्शन थे, जो भी कहानी थी वो भी बताई थी। और फिर हम पहुँचे थे रात को अपने होटल में, और हमने आपसे वादा किया था कि सुबह उठते ही आपको जोशीमठ से माड़ा गाँव की तरफ बद्रीनाथ की तरफ यात्रा कराएंगे। तो फिर चलते हैं दोस्तों। जय बद्री शाह दोस्तों। तो आज मैं हूँ जोशीमठ में और अभी मैं रुकी हुई हूँ, ये जो पीछे आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ब्रह्म कमल होटल, यहाँ पे रुकी हुई हूँ। रात को हमें यहाँ पे पहुँचने में लगभग बज गया था 12, तो हमें यहीं पे यही होटल मिल पाया था, तो हमने यहाँ पे स्टे किया है। और अब हम जोशीमठ तो बाद में घूमेंगे, पहले हम जाएँगे बद्रीनाथ, पहले पूरा देख के आएँगे और वहाँ से आपको बद्रीनाथ के दर्शन कराएँगे, और रास्ते में जो कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ेंगी वो सब आपको दिखाएँगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने होटल के आसपास की आपको व्यू दिखा दूँ, फिर निकलेंगे हम जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए, और रास्ते में आपको सारी चीज़ें दिखाते हुए आपको कराएंगे अंत में बाबा बद्री विशाल जी के दर्शन, और फिर आगे की जैसे भी यात्रा होगी। सुबह के पहाड़ों का नज़ारा देखिए आप, क्या मस्त है ये देखिए। अभी तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू नहीं आ पा रहा, लेकिन जितना भी आ रहा आप देख सकते हैं, ये अभी सिर्फ रोड का है। तो थोड़ा सा मंदिर की तरफ जाएंगे तो वहाँ का थोड़ा सा नज़ारा और भी अच्छा दिखाई देगा आपको। तो बस दोस्तों, अभी ज़रा थोड़ा सा चाय वाय पी के, ठंड बहुत है यहाँ पे, चाय वाय पी के फिर निकलते हैं बद्रीनाथ के लिए, और फिर मैं रास्ते में आपको बढ़िया बढ़िया सी स्टोरीज़ बताते हुए सारी जगह की निकलूँगी। और जोशीमठ की स्टोरी की बात करूँ दोस्तों, तो जोशीमठ आपको पता ही है, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ के सारे मठों की स्थापना की थी, तो जोशीमठ की स्थापना भी उन्होंने ही की है। आपको यहाँ पे आके एक बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत अच्छी जगह पे हैं, और एक अंदर से एक आध्यात्मिकता झलकती है यहाँ पे आने। और अब ये मिली है चाय की दुकान, देखिए कितनी बढ़िया सी चाय बना रहे हैं भैया, और इन्होंने दी है ये एक चाय, हम चाय पी के चलेंगे थोड़ा आगे। भैया कितने बजे खुलती है आपकी शॉप सुबह? सुबह 7 बजे खोलते हैं, उससे पहले कोई भी नहीं आसपास में खुला होता मैंने देखा। अच्छा, इस साइड में 7 बजे खुलता है। अच्छा, अभी तो मैं सुबह निकली थी तो कुछ भी नहीं खुला हुआ था। हाँ, 6 बजे से पहले निकले थे। तो यहाँ पे जो चाय की दुकानें हैं वो खुलती हैं 7 बजे, क्योंकि ये थोड़ा सा गली में है, बाकी रोड पे बता रहे हैं कि 6 बजे खुल जाती है। तो दोस्तों बस ये चाय पी के निकलते हैं हम बद्रीनाथ की तरफ, और आपको कराते हैं रास्ते में अच्छे अच्छे से दर्शन, अच्छी अच्छी चीज़ों के। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं अब बद्रीनाथ के लिए, और ये हैं भैया, और ये है इनका होटल ब्रह्म कमल, बहुत अच्छा होटल है इनका, आप लोग कभी आए तो इनके होटल में ज़रूर आइएगा। और ये रही हमारी सवारी, ये सब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, और हमारे रोहित भैया जी कहाँ हैं, ज़रा उनसे उनकी शक्ल दिखाइए। रोहित भैया जी, ज़रा आप बताइए हमें, आप कहाँ कहाँ लेके चल रहे हैं और आप कितनी बार आ चुके हैं, बताइए आप यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं? इसी महीने में छठा राउंड है। और आप एक बार बता रहे थे आप केदारनाथ से अकेले आए थे रात में, पूरी रात की यात्रा की थी आपने? दिवाली से पहले रात को 10:30 बजे हम लोग केदारनाथ से निकले थे, सुबह दिल्ली 5 बजे, मेरी जो सबसे फास्ट राइड थी। तो देखा आपने, ये हमारे रोहित भैया जी इतनी स्विफ्ट, इतनी स्मूथ ड्राइविंग करते हैं कि बस अगर आप इनकी गाड़ी से आएंगे तो आपको लगेगा कि बार बार इन्हीं को लेके आना चाहिए। मैं इनका फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको कभी इनसे कांटेक्ट करना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एक बार आप एक बार चारों तरफ का नज़ारा देखिए, फिर हम चलते हैं अपने बद्रीनाथ की तरफ। ये देखिए ये सारा कितना सुंदर लग रहा है, और अब चलते हैं, अब रास्ते में हम आपको बाकी की सारी चीज़ें दिखाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जोशीमठ से माड़ा गांव या बद्रीनाथ की तरफ जाते हुए सबसे पहले पड़ता है विष्णुप्रयाग, जो कि है पंच प्रयागों में एक प्रयाग। तो सबसे पहले हम चलेंगे विष्णुप्रयाग, वहां पे दर्शन करेंगे, और उसके बाद जो जो पॉइंट रास्ते में पड़ते जाएंगे हम आपको उसके दर्शन कराते हुए चलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ फिलहाल अभी विष्णुप्रयाग तक। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं विष्णुप्रयाग, ये देखिए पीछे,
ये रहा विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग के सामने पहले तो आप ये पहाड़ देखिए, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं ये सारे पहाड़। अब हम चलते हैं विष्णु प्रयाग के अंदर। ये रहा इसका गेट, इस पर लिखा भी है धौली गंगा और अलकनंदा का संगम द्वार विष्णु प्रयाग धाम। तो आइए नीचे उतर के देखते हैं यहाँ का क्या है। वाह क्या तेज धार है नदी की, बहुत ही सुंदर लग रही है नदी। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा टूटा फूटा सा हो रखा है यहाँ का रास्ता सीढ़ियाँ, बट यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और थोड़ा सा पास जाके दिखाते हैं आपको। ये देखिए धूप पड़ने से और भी सुंदर लग रही है नदी। और ये नदी जो है बताया जैसे आपको अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है यहाँ पे। वाह ये देखिए दोस्तों ऊपर सारे पहाड़। बहुत ही सुंदर। चलिए थोड़ा सा और पास चल के दिखाते हैं आपको। थोड़ी सी सीढ़ियाँ इसकी टूटी फूटी सी हैं। नीचे जाने का रास्ता है क्या? नीचे जाने का रास्ता नहीं है दोस्तों। नीचे जाने का रास्ता थोड़ा सा बंद कर रखा है स्लाइडिंग की वजह से। यहाँ पे काफ़ी स्लाइडिंग हो गई है ना, थोड़ा सा बंद कर दिया। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए वाह कितनी तेज़ धार बह रही है, और सूरज की रोशनी इस धार को कितना सुंदर बना रही है। देखिए दोस्तों यह है हमारा विष्णु प्रयाग, बहुत ही सुंदर। ये देखिए पहाड़, ये सारे पेड़। दोस्तों रास्ता तो थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश करते हैं जाने की और देखते हैं अगर उतर सकते हैं तो। एक ऊपर मंदिर बता रहे हैं, चलिए देखते हैं इन सीढ़ियों पे चढ़ के कि वो मंदिर कौन सा और क्या है। चलिए देखते हैं। घंटों की आवाज़ें तो आ रही हैं। अच्छा हाँ ये लेफ्ट साइड में है ये मंदिर। ये रहा भगवान विष्णु नारायण मंदिर, बहुत सुंदर। चलिए आगे चल के देखते हैं क्या है ये। चलिए दिखाते हैं मंदिर कैसा है। छोटा सा ही मंदिर है लेकिन बहुत ही सुंदर सा नज़र आ रहा है। ये देखिए दोस्तों यह है श्री भगवान विष्णु नारायण मंदिर। चलिए इसके अंदर से दर्शन करते हैं। जय बाबा, जय श्री हरि, 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 जय श्री। यह मंदिर भैरवनाथ मंदिर में बलि चढ़ाना सख्त मना है जाने का। इसका मतलब इसके आगे एक भैरवनाथ मंदिर भी है वो दोस्तों। चलिए देखते हैं वो कहाँ पे है। जय 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 हनुमान, जय शिव, 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 जय माता रानी, जय
इधर से तो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है परिक्रमा। चलिए कोशिश करते हैं इस छोटे से रास्ते में से निकलने की। निकल तो गए भाई। ये यहाँ पे भूतनाथ महादेव मंदिर भी है, लेकिन इसका रास्ता दोस्तों आगे से ब्लॉक कर रखा है। चलिए, आगे जाने का रास्ता तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हम बाद में देखेंगे इसको। अब हम वापस निकलते हैं। जय श्री, जय भगवान विष्णु नारायण, जय भगवान विष्णु नारायण, ओम नमः शिवाय, जय विष्णुदेव। देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर पौधे भी लगा रखे हैं बिल्कुल बीच में। कितना अच्छा दोस्तों मंदिर का नज़ारा है, आप ये देखिए, घंटी, मंदिर, पहाड़, हरियाली, और ये देखिए नीचे विष्णु प्रयाग का जल, कितनी तेज धार इसकी यहाँ किनारे पे। अगर यहाँ बैठ के थोड़ी देर पूजा की जाए, ध्यान साधना की जाए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण है चारों तरफ का, बहुत ही सुंदर। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़। सही नाम दिया दोस्तों इसको, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, बहुत बढ़िया। जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा भैरवनाथ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है विष्णु प्रयाग। देखिए यहाँ पे पानी कितना तेज बह रहा है, कितना सुंदर है, पहाड़ देखिए चारों तरफ के। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि नारद जी को विष्णु जी ने दर्शन दिए थे, और यहाँ पे ये पंच प्रयागों में से भी एक है, तो इसलिए ये इसकी मान्यता अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है इस बात से। और इसकी लोकेशन और इसमें जो भैरव बाबा जी का जो मंदिर ऊपर बना है, जो माता रानी का मंदिर बना है, वो तो अपने आप में बेमिसाल ही है, ये देखिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे अभी। और इसकी दूरी जो है लगभग 3 किलोमीटर है जोशीमठ से 3 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों अब हम निकलते हैं विष्णु प्रयाग से और चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, और आपको दिखाते हैं वहाँ का भी थोड़ा अच्छा सा व्यू। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है योग ध्यान बद्री, जो कि है पंच बद्री में से एक। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है विष्णु प्रयाग के बाद, वो रास्ते में पड़ेगा योग ध्यान बद्री। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस पंच बद्री में से एक योग ध्यान बद्री में क्या क्या खास बात है।